डेड बॉडी बरामद हो चुकी है और उसी की मृतक देह को यहां पर रख कर, यानी रोड के बीचों बीच रख कर गाँव वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि डीएसपी यहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं, पुलिस यहां पर है, लेकिन डेड बॉडी को गाँव वालों ने यहाँ पर रखा है और प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर गाँव वाले कर रहे हैं। एक लंबा जाम जो है वो पीछे आप देख सकते हैं कि लग चुका है। दरअसल गाँव वालों का आरोप है कि चश्मदीदों की सुनी नहीं जा रही है, बयान दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते जो है ये प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पर चल रहा है। अगर आप इधर भी देखें तो एक लंबा जाम जो है वो सरहंद रोड पर इस वक्त लग चुका है। दरअसल मांग साफ है कि जश्न के कातिलों को जो है वो सजा दी जाए। कल भी जब हमारी बात हो रही थी और हमने इंडिया इज 18 ने ये मुद्दा उठाया था, तो उसमें साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से पुलिस चश्मदीदों को के बयान को अपनी तरीके से दर्ज करने की बात जो है वो सबके सामने कह रही थी। फिलहाल यहाँ पर जो प्रशासन है वो वहाँ पर पहुँचा हुआ है और जो लोग हैं वो अपने इंसाफ की जो मांग है वो कर रहे हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से जश्न के साथ हुआ उसको मारकर फेंका गया है या वो खुद गिरा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए। ये जो पूरा जाम है यहाँ पर लगा हुआ है और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि सारी चीज़ें जो है वो सही की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ गाँव वाले जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। आपने ये क्यों जाम लगाया, ये जाम क्यों लगाया आपने? ये हमारा बत्ती डट हो गई थी, पाँच दिन हो गए इसको, कुछ नहीं सुनवाई नहीं की आकर, ये बंदे बार बार रहे हैं खुलेआम। तो पुलिस क्या मामला दर्ज कर रही है? कुछ नहीं कर रही, पुलिस उसका साथ दे रही है। आपने ये यहाँ पर जाम लगाया, प्रशासन आपके पास आया, क्या अभी कुछ नहीं बोल रहे हो? ये अबे ये कर दे वो कर दे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये बारी कोई सुनवाई नहीं करी, किसी ने अंदर नहीं करा, कोई पर्चा नहीं कटिया, एक मुंडे का सिर पाड़ दा, एक मुंडा पिया डेड बॉडी। आपने जब अपडेट बोली निकाली है जश्न की, तो किस हालात में उसके मत्थे पे चोट लगी हुई थी, नाक से खून निकल रहा था, नाक से खून निकला था, मत्थे पे चोट लगी हुई थी, गाल के निशान पे आ रहे, गले में निशान पड़े हुए हैं। ऐसे जो बोल रहा है जो जिस बंदे को गवाह है उसको बोल रहा है भाई तेरे पे उल्टा पर्चा कर दूंगा, जो गवाही दे रहा है मेरे सामने मार रहा है, जो बोल रहा है मेरे सामने मार रहा है उसको उल्टा धमका रहा है, मैं तेरे को अंदर कर दूंगा। बंदा हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि जाम यहाँ पर गाँव वालों ने लगा दिया है, वो धरने पर यहाँ पर बीचों बीच जो है वो बैठ गए हैं। मांग साफ है कि इंसाफ दिया जाए, पुलिस कोशिश यहाँ पर कर रही है कि इन गाँव वालों को यहाँ से हटा दिया जाए और मामला दर्ज करने की बात कर रहे हैं। और अभी देखते हैं फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है। कैमरामैन अनमोल के साथ में जितेंद्र स्टीफन, फतेहगढ़, इंडिया 18।